हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे जो है एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो कि आप लोगों ने अभी दिया है सीयूईटी के अंतर्गत। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना अच्छा रैंक है और कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए, ये डिटेल डिस्कशन रहेगा आप सभी के लिए। और याद रखिएगा कि ये वीडियो जो आपको दिया जा रहा है, इसमें मेरा कोई भी अपना जो है व्यू नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, सबके अपने फैकल्टीज़ अच्छी होती है, पर इसमें कोई मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये याद रखना कि जो आपकी रैंकिंग है और जो इस पे ज़्यादा लोगों का जिसका वोट मिला है उसके अकॉर्डिंग ये मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, या फिर जो वर्ल्ड रैंकिंग या फिर ओपननेस रैंकिंग है उसके उसके ऊपर डिस्कशन है। तो प्लीज़ दिल पे नहीं लीजिएगा, आप ही के लिए डिस्कशन रहेगा। तो आप लोग अगर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है, बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमएससी इकोनॉमिक्स और आपके फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये भी दोनों में एमएससी की ही डिग्री मिलती है। ये सब तो आप लोग डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं इसकी कि वर्ल्ड रैंकिंग। तो याद रखिए वर्ल्ड रैंकिंग में 21,502 है, ठीक है। 21,502 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है, और ओपननेस रैंकिंग में 7,521 यानी 7,521 पे आती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका करिकुलम है, ऐसा कहा जाता है कि जो क्रेडिट सिस्टम है, द करिकुलम एंड द क्रेडिट सिस्टम एट अम्बेडकर इज़ बेटर देन डी यू। तो याद रखिएगा कि आपके डी यू से ज़्यादा आपका अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है बेटर है, क्लियर। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो अगर आपको मिलेगा तो, क्लियर। अब हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी जो रैंकिंग रही थी आपके 2020 की, ठीक है, 2020 के डेटा के हिसाब से लगभग ये 152 आपके 200 रैंक के बीच में आ रहा था, ठीक है। तो जो है बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उससे एज़ कम्पेयर टू मतलब बेटर कह सकते हैं, ओके। तो ये भी आपका कॉलेज अच्छा है, क्लियर। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को देख लेते हैं। यहाँ पर बी एम इकोनॉमिक्स के कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, याद रखिएगा कि ये सी यू जी इसको रैंक करता है, ठीक है। आपका मतलब 60th रैंक है, 60th रैंक है इसका आपके इंडिया में, और ये पुरानी रैंकिंग के हिसाब से है। और सेकंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आती है गुजरात में, है ना। गुजरात की सेकंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका आता है। पर जो है आपके अगर कंट्री की रैंक देखा जाए, कंट्री वाइज अगर इसकी रैंक देखी जाए तो इसको देखोगे तो 398 रैंक भी इसको दी जाती है। तो ये भी आपका मतलब एक अच्छा चॉइस हो सकता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसके लिए काफ़ी क्वेरीज आई थी, कैसा है ये भी जान लेते हैं। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की रैंकिंग देखोगे तो 319 है, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग में ये 8,173 के आसपास आता है। तो वर्ल्ड रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है कि आपका जो इंडिया में इसकी रैंकिंग क्या है। तो लगभग 319वें रैंक पे ये आती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, मतलब ऐसा अनुमान मतलब लोग कहते हैं कि 60% जो है स्टूडेंट इसमें प्लेसमेंट पाते हैं। लगभग हाईएस्ट जो पैकेज यहाँ पर गया है वो 42 लाख का गया है, तो कह सकते हो, है ना। यहाँ पर आपका विप्रो, अमेज़ॉन, टाटा ऐसी मतलब फर्म्स में मतलब आपका जो है हुआ है, पर कोर्सेज अलग होंगे। इकोनॉमिक्स में है ये थोड़ा सा कहना संशय वाला बात होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका जो है क्या रैंकिंग है और क्या आपका जो है क्राइटेरिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग को देखोगे तो 422 जो है आपकी रैंकिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है मतलब इस स्टेट का, ओके। और काफ़ी मतलब सुंदर व्यू भी है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो, नेचर में है, ठीक है। और मतलब इसको जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे रैंकिंग के हिसाब से मिला था, पर ठीक है अभी भी इसका जो रैंक है थोड़ा सा नीचे है, 422 है ना, क्लियर। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर मतलब अगर ओवरऑल इंडिया में इसकी रैंकिंग देखी जाए तो ओवरऑल इंडिया में मतलब आपका 422 अप्रॉक्सीमेट, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसकी रैंकिंग 336 के आसपास भी आती है। इन वर्ल्ड में जो है 6,207 रैंक पे आपकी आती है, ठीक है।
तो ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी अच्छा है, आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। वैसे हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैसा है। तो अगर हम NIRF की रैंकिंग के हिसाब से देखें, ठीक है, 2022 में जो रैंकिंग आई थी यूनिवर्सिटीज़ की, उसके हिसाब से देखें तो ये इसको 10th रैंक मिला है, ठीक है, आपके जो आपका सेंट्रल सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को 10th रैंकिंग मिली है, क्लियर। और यहाँ पर मतलब आपका अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, 591 to 600 के बीच में ही आता है आपका जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, क्लियर। तो मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी है, ओके, और वर्ल्ड रैंकिंग में भी अच्छा है, ठीक है। अगर ओवरऑल रैंक में देखा जाए तो मतलब इंडिया में ये 10th रैंक पे आती है, तो यहाँ पर आप एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात कर लेते हैं, ठीक है, जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो यहाँ पर जो रैंक है इसको मिली है 506, ओके, और वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत पीछे है ये, ठीक है। तो आप लोग 500 में ही हमेशा इसका आप देखोगे कि रैंकिंग है। तो इसमें कभी कभी जो एडमिशन होता है वो नेगेटिव में होता है, कश्मीर वाले में भी थोड़ा होता है, तो आप प्रेफर कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मान लो जिसका लो मार्क्स आ रहा है वो आप यहाँ पर भी जा सकते हो, है ना, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको फ़ायदा तो मिलेगा यहाँ पर एडमिशन लेके। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को देखें तो इसका भी जो रैंक अच्छा है आपका 378 रैंक पे आती है ये यूनिवर्सिटी, आपके कंट्री रैंक की बात करें तो, क्लियर। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए देखिए जो रैंकिंग मैंने बताई है उसको भी आप देख के उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पर जान लो कि ऐसा लगेगा तुमको कि तुम स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहे हो, ठीक है। भले ही यहाँ पर जो आपका कट ऑफ होता है वो बहुत लो जाता है, इवन माइनस में जाता है, पर कुछ लोगों ने एक बार पूछा था मेरे से कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो माइनस में एडमिशन लेती है, तो यहाँ पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, पर बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, ओके। और रही बात पढ़ाई की, तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई तो बहुत अच्छी होगी, है ना, पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। अब कुछ कुछ में नहीं होती होंगी तो इसको मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं सारी सारी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ी नहीं हूँ। तो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी अच्छी है, इसकी रैंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, याद रखना कि इसकी रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो 235 अभी तक जो आपने ऊपर देखा है HCU के बाद, तो सबसे अच्छी रैंकिंग इसी की आ रही है। बस थोड़ा सा लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी और अच्छा कैंपस है, और आपको चाहिए कि अच्छा कैंपस ही चाहिए, है ना, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कैसा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा उसकी बात करेंगे। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी थी इसको रैंक मिला है 2020 में 20th रैंक, ठीक है। HCU अभी देखा आपने, तो ओडिशा भी आपका 20th रैंक पे था। और अगर हम और भी एक रैंकिंग में देखें कंट्री वाइज तो ये 421 पे भी आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा जो है ये आपका टॉप नोचेज में हो सकता है, जैसे आपने JNU देखा, BHU देखा, HCU देखा, BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी देखा, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, उसी तरीके से आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा भी एक टॉप मतलब नोचेज में आ सकता है। तो आप इसे भी प्रेफर करिए पक्का, है ना, अच्छा यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करेंगे तो इसकी रैंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं तो ये जो है 26th रैंक पे थी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है आपकी आती है, और ये 26th रैंक पे है आपके इस बार के NIRF रैंकिंग में। तो आप जो है इसको भी प्रेफर करोगे, है ना, मतलब जैसे अभी ओडिशा को देखा उसी तरीके से आप पंजाब वाले यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हो, तो जैसे आपने JNU फिर HCU फिर BHU फिर अभी ओडिशा को देखा और फिर पंजाब को भी आप प्रेफर कर सकते हो, क्लियर। तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी मतलब अच्छी रैंकिंग में आता है, क्लियर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल जो रैंक थी ये 754 है, रिसर्च रैंक अलग है इसकी, ठीक है, इनोवेशन रैंक में अलग आता है, ठीक है। और अगर हम इस पर सोसाइटल रैंक देखें तो सोसाइटल जो रैंक है वो आपका 236 है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये भी आप प्रेफर कर सकते हो, क्लियर।
अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा की भी बात करेंगे, वैसे हम लोग इस पे वीडियो डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी सीट्स है, क्या चीज़ें हैं ना आपके इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। नेगेटिव में इसका जो है याद रखना की जाता है कट ऑफ, पिछले साल तो गया था, अब देख लेते हैं क्या है इसका अपना रैंकिंग। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को देखेंगे तो इसका जो रैंकिंग है वो आपका 303 है और वर्ल्ड रैंकिंग में 7974 पे आती है। तो ठीक है, आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अब जिसका एडमिशन नहीं हो रहा तो यहाँ पर जा सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करेंगे, त्रिपुरा एंड केरला की बात करेंगे, क्लियर। तो याद रखना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो तमिलनाडु है वो लगभग 101 to 150 रैंक के बीच में आती है। तो आप यहाँ पर भी, जैसे आपने अभी देखा पंजाब उड़ीसा है ना, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन लेना प्रेफर कर सकते हो। पर ये जो रैंकिंग है, दिस रैंकिंग वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द NIR ऑफ रैंकिंग, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये 2020 के डेटा के हिसाब से है, ना कि अभी रिसेंट के रैंकिंग में अभी इसका जो बहुत रैंक है वो अभी नहीं आया है। फिर आप देखोगे तो इसकी रैंकिंग बहुत नीचे है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा पुराना डेटा बताया। अब बात करेंगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है उसको जानेंगे और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं। तो इस साल जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी थी, जैसे टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रिलीज़ होती है उसमें इसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, फेल टू रजिस्टर इट्स नेम अमॉन्ग टॉप 100 यूनिवर्सिटी इन रैंकिंग रिलीज बाई NIRF। तो जब इसका रैंकिंग आया था 2020 में, तो इसकी जो पोजीशन थी वो लगभग थी 88, है ना। देखो ये 100 के अंदर आया तो आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी से पहले आ गया, तो आप त्रिपुरा में भी ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। भले ही रैंकिंग में आपका दर्ज नहीं हो पाया पर आप ले सकते हो 2020 के डेटा को देख के, क्लियर। तो अब याद रखना कि पंजाब, ओडिशा, त्रिपुरा भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, है ना। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की कितनी रैंकिंग है। अगर हम लोग एक बार NIRF की रैंकिंग की बात करें, तो IIT में तो आपको जाना है नहीं, नहीं तो IIT मद्रास तो फर्स्ट रैंकिंग पे था। अब अगर हम बात करेंगे कि जो अब जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात करो, तो सबसे अच्छी रैंकिंग जो रही है, ठीक है, वो सबसे अच्छी रैंकिंग इस बार 2022 की रही है BHU की, ठीक है। BHU जो है आपका जो है जवाहरलाल नेहरू है ना, JNU के जस्ट बाद ही BHU है, ठीक है। पहले JNU रहा है फिर BHU, ठीक है, ओके। अगर किसी ने जामिया में भरा होगा तो जामिया भी था, क्लियर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका रैंकिंग में रहा है, ठीक है, ये सब टॉप रैंकिंग्स में रहे हैं। और अब बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, ये इस रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी भी रहा है, ठीक है, आपके NIRF रैंकिंग में, ओके। केरला यूनिवर्सिटी भी आपके रैंकिंग में ही रहा है, क्लियर। और बात कर लेते हैं आपका और एक दो यूनिवर्सिटी की, गुजरात यूनिवर्सिटी जैसा भी मैंने डिस्कस किया तो वो भी आपके रैंकिंग में रहा है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो आप एक बार NIRF की रैंकिंग देखोगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि JNU पहले है फिर बाद में आपका BHU है, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को थर्ड रैंकिंग मिली है अगर हम ऐसे देखें तो ओवरऑल में, तो BHU और JNU तो सबसे ऊपर है, फिर बाद में HCU है, क्लियर। अब बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला मतलब भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो, क्लियर। और काफ़ी मतलब जो चीज़ों में मतलब आगे है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। पर अब बात करेंगे कि रैंकिंग कितनी है, हाँ ना, रैंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि रैंकिंग ही हमें देखना है और रैंकिंग से ही हमें पता चलेगा कि कॉलेज कैसा है, क्लियर। तो इसकी भी रैंकिंग लगभग 100 to 150 के बीच में आती है। तो याद रखना टॉप नोचेज में JNU है, BHU, HCU, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपका ओडिशा, पंजाब, ठीक है, पंजाब आपका हो गया, गुजरात, ओके, कश्मीर भी अच्छा है, ओके, और जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, त्रिपुरा,
त्रिपुरा भी क्योंकि 88 रैंक था, ये भी आप कर सकते हो। और ये तो कुछ 10, ये आपको मैंने डिस्कस किया, 10 से ज़्यादा ही डिस्कशन में हो गया होगा। तो अगर आपको लगेगा कि और भी कोई यूनिवर्सिटी का डिस्कशन करना है, क्योंकि अभी कुछ और भी बचे हुए हैं, और मुझे आई थिंक लगता है कि अब इसके बाद जो भी कोई यूनिवर्सिटी को देखेगा वो थोड़ा सा अब जो है रैंकिंग नहीं देख के जाएगा ना, अपने नंबर को देख के जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब ये आपका डिस्कशन रहा, और भी कोई क्वेरीज होगी तो बताइएगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।